भगवान की दया से या मेरा गुड लक कह लो, जो भी था, अब की बार मुझे बहुत अच्छी गायनो जो है मिली। और जब मैंने उनसे कंसल्ट किया तब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों मेरे साथ हो रही है। तब उन्होंने मुझे इसका रीज़न बताया और उन्होंने इसका ट्रीटमेंट भी दिया, और जिसकी वजह से मेरी 85 to 95% तक ये प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल में आ चुकी है। तो डॉक्टर ने जो मुझे बताया उन्हीं की मैं आपको, जैसा उन्होंने मुझे बताया वही मैं आप लोगों के साथ जो है यहाँ पर शेयर करने आई हूँ। क्योंकि हर किसी की गायनो, मुझे नहीं लगता जैसे मेरे साथ ही फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हुई थी, हर किसी की गायनो जो है इस तरीके से डीपली अपने पेशेंट्स को नहीं बताती हैं। तो जैसा उन्होंने बताया वैसा ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो इस प्रॉब्लम का नाम है ऑब्स्टेटिक कोलेस्टोसिस। ऑब्स्टेटिक मीन्स जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है, कोलेस्टेसिस, कोले मीन्स गोल ब्लैडर एंड स्टेसिस मीन्स किसी चीज़ का वहाँ पर रुक जाना, उसका मूव ना करना, वहीं पर रुक जाना, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे जो है लीवर जो है वो बाइल एसिड प्रोड्यूस करता है, और ये बाइल एसिड जो है वो फैट के डाइजेशन का काम करता है। आगे चलकर ये बाइल एसिड जो है वहाँ से रिब्स में चला जाता है, और रिब्स में जाकर ये फैट के डाइजेशन का काम करता है। बट जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उस टाइम हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बड़े होने की वजह से वो इतना बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो बाइल एसिड प्रोड्यूस हुआ था वो रिब्स तक जा ही नहीं पाता है, और वहीं से वो वापस चला जाता है, और वापस जाकर वो गोल ब्लैडर में सिक्रेट हो जाता है, वहाँ पर वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। गोल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है, राइट साइड में देखो हमारा पित्त होता है, और उसके नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है जहाँ पर ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है बाइल एसिड, जिसकी वजह से ये जो है उल्टा हमारी बॉडी में उल्टा बहना शुरू हो जाएगा, और हमारे ब्लड में ये मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें इचिंग होती है। हमारे ब्लड में जो है पाइल सोट, पाइल पिगमेंटेशन एंजाइम्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इचिंग होती है। और ये इचिंग जो है हमें पाम्स पर और सोल पर सबसे ज़्यादा हमें फील होती है, और इस इचिंग की सबसे बड़ी पहचान ये होती है ना कि ये आपको कोई मार्क नहीं देती है, आपको कोई बॉडी पर कोई मार्क नहीं आता है, ना ही आपको कोई जैसे छोटे छोटे पिंपल हो जाते हैं, इस तरीके का कुछ भी नहीं होता है, इसकी कोई पहचान नहीं होती। बस आपको इचिंग होती है, अंधाधुंध इचिंग होती है, और उस अंधाधुंध इचिंग के टाइम आप अपनी बॉडी पर अपने आप निशान बना लो तो बात अलग है, लेकिन इसका कोई खुद का निशान नहीं होता, तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज ऑब्स्टेटिक कोलेस्टोसिस एंड व्हाट इज सिम्टम्स ऑफ ऑब्स्टेटिक कोलेस्टोसिस। अब वापस से आ जाते हैं मेरी इस प्रेगनेंसी पर। तो इस प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि जैसे ही मुझे इचिंग स्टार्ट हुई तो मैंने 15 डेज तक उसको सिर्फ ये सोचकर बियर कर लिया कि भाई अगर मैं अपनी गायनों को ये बताऊंगी तो गायनों फिर से कहेंगी कि ये तो नॉर्मल है, ये तो होता ही है। तो मैंने अपने 15 दिन तक तो मैंने अपनी गायनों को बताया ही नहीं है कि मेरे साथ इचिंग जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। बट जब ये बहुत ही एक्सट्रीम हुई तो मेरे माइंड में फिर क्लिक किया कि चलो यार इन गायनों से पूछ के देख लेती हूँ, मे बी ये गायनों कुछ बताएं मुझे। तो जब मैंने अपनी गायनों को बताया कि मैम मुझे ना इचिंग स्टार्ट हो गई है, तो उनका एकदम से रिएक्शन था, क्या इचिंग? तो मैंने सोचा कि यार पता नहीं ऐसा क्या हो गया, मैं क्या ये भी कह देंगी कि ये तो नॉर्मल है। तो उनका रिएक्शन ऐसा था, क्या इचिंग, ये कब से हो रहा है तुम्हारे साथ? तो मैंने कहा मैम पिछले 15 दिन से मेरे साथ हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि 15 दिन से आप इसको बियर क्यों कर रहे थे, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आपको पता है इससे लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, तो चलो आज ही हमें आपका LFT करना पड़ेगा। LFT मीन्स लीवर फंक्शन टेस्ट। जब हमें ऑब्स्टेटिक कोलेस्टोसिस जैसी प्रॉब्लम होती है तो लीवर फंक्शन टेस्ट हमें डॉक्टर सबसे पहले सजेस्ट करती हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि चलो आप पहले आज ऐसा करो, आज ही आप अपना ब्लड देकर जाओ, LFT कराओ, और मुझे देखना है कि आपका SGPT, SGOT, अल्कालाइन कितना आया है, उनकी वॉल्यूम कितनी है। तो फिर मैंने मैम से पूछा कि मैम ये क्या चीज़ है, LFT क्यों ज़रूरी होती है, ये SGPT, SGOT, अल्कालाइन ये क्या चीज़ें हैं? तब मैम ने मुझे बताया कि ऑब्स्टेटिक कोलेस्टोसिस जैसी प्रॉब्लम होती है, ये जो इचिंग होती है इसको बोलते हैं ऑब्स्टेटिक कोलेस्टोसिस, जो कि अब तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। मेरी गायनों ने जब ये सब कुछ समझा दिया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अभी के अभी जाओ LFT कराओ, और आज ही शाम को आप मुझे आकर रिपोर्ट दिखाओगे, हर हालत में आपको ये रिपोर्ट दिखानी है मुझे आकर। तो ठीक है, फिर मैंने अपना LFT कराया। जब LFT कराया तो जो SGPT, SGOT, अल्कालाइन, बिलीव नहीं करोगे मेरी वो वॉल्यूम कहाँ थी। मेरा SGPT, SGOT, अल्कालाइन सब मतलब आउट ऑफ रेंज, इतना आउट 200, 300 कुछ,
इस तरीके की उनकी वॉल्यूम चली गई थी। 200 समथिंग मेरा एच जी पी टी था, 300 समथिंग मेरा एच जी ओ टी था। और जब मैम के पास ये रिपोर्ट्स पहुंची तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। उन्होंने कहा, रसना ये क्या है, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब तुम्हें इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तुम मुझे कम बता रही हो। तो फिर मैंने मैम को अपना बताया कि मैम, जब मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उस टाइम पर मैंने 5 गायनों से कंसल्ट किया था, बट किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा अब भी ये नॉर्मल ही होगा, मैं बियर कर लेती हूँ, और इसीलिए मैंने आपको लेट बताया। तो मैम ने फिर मुझे बताया कि नहीं, ये कंडीशन जो है वो तुम्हें नहीं झेलनी है, अंदर तुम्हारा बेबी भी झेल रहा है, तो उसके लिए सोचो, तो आप तुम्हें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और अब तुम्हें जो है सबसे ज़्यादा सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत है कि देखो, इसमें जो सबसे बड़ी मुझे डॉक्टर ने चीज़ बताई जो मैं खुद से कंट्रोल कर सकती थी, वो ये कि ऑयली नहीं खाना है, मसालेदार चीज़ें नहीं खानी हैं। अगर हम सब्ज़ी में, क्योंकि जैसे हमारे बड़े बोल देते हैं कि प्रेग्नेंट हो तो घी वगैरह डाल लो, घी नहीं डालना है अपनी सब्ज़ी में, हो सकता है तो सूखी रोटी खाओ। मतलब जितना ऑयली जो है फूड आप कम कर सकते हो, मसालेदार चीज़ें कम कर सकते हो, वो कम करो। क्योंकि हमारा लीवर जो है, जैसे कि मैंने पहले कहा, बाइल एसिड को जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और वो बाइल एसिड फैट डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। लेकिन जब हमारा हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा लीवर जो है वो सारे फंक्शन उसके गड़बड़ा जाते हैं। वो जो एसिड प्रोड्यूस हुआ था वो वहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और ऐसे में अगर हम ऑयली और मसालेदार चीज़ें खाएंगे तो हमारे लीवर पर और ज़्यादा इम्पेक्ट आता है, तो लीवर भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से मैम ने मेरी सारी चीज़ें बंद कराई। सबसे पहले तो उन्होंने एक ये चीज़ की, और दूसरा उन्होंने मेडिकली इसका ट्रीटमेंट करने के लिए मुझे जो है एक सोल्ट आता है वो दिया। ऑब्स्टेटिक कोलेस्टोसिस के लिए जनरल डॉक्टर ने जो मुझे बताया कि एक टैबलेट दी जाती है, और उस टैबलेट का नाम है यूडीलीफ ओसो डी एफ सी कॉलिक। ये एक सोल्ट होता है जो हमें दिया जाता है जब हम ऑब्स्टेटिक कोलेस्टोसिस डायग्नोस करती हैं डॉक्टर, तो उस टाइम पर ये दिया जाता है, और बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है ये यूडीलीव की टैबलेट। इसकी अलग अलग स्ट्रेंथ आती है, 150 mg और 300 mg, अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। तो डॉक्टर जब जितना जिस हिसाब से हमारा एलएफटी का टेस्ट आता है उस हिसाब से जो है वो डिसाइड करती हैं कि कौन सी कितनी mg की टैबलेट देनी है और कैसे देनी है। तो अभी जो मुझे डॉक्टर ने दी है वो 300 mg उन्होंने मेरी टैबलेट जो है वो स्टार्ट कर दी है, जिससे मेरी 95% तक इचिंग जो है वो बिल्कुल जा चुकी है। और मुझे वो 300 mg की जो टैबलेट है वो मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम लेनी होती है। और बाकी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर इस टैबलेट के बाद मेरा एलएफटी जो है वो नॉर्मल आता है तो वो इस टैबलेट की जो है वो स्ट्रेंथ करके 150 mg कर देंगे, और टाइम भी उसका कम कर देंगे, यानी कि अभी मैं 2 टाइम ले रही हूँ तो उसको 1 टाइम कर देंगे। और सीरियसली जो टैबलेट है यूडीलीव, ये जो सोल्ट है ओसो डी एफ सी कॉलिक, बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर आपको ऑब्स्टेटिक कोलेस्टोसिस है। तो अगर आपको इचिंग होती है तो प्लीज़ आप ऐसे वैसे कहीं से भी कोई भी टैबलेट इचिंग की ना खाएं, सिट्रजिन, लिवर सिट्रजिन, ये बिल्कुल भी ना खाएं। और जो आपकी डॉक्टर आपको सजेस्ट करती हैं आप वही टैबलेट लीजिए। इफेक्ट ऑफ ऑब्स्टेटिक कोलेस्टोसिस ऑन आर बेबी, तो क्या इफेक्ट होता है? तो देखिए, बेबी की हार्ट बीट जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, जो कि हमारे डॉक्टर बार बार चेक करती हैं। और कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम पर आकर हमारा बच्चा जो है वो पोटी कर देता है, तो उस टाइम पर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा जो है कंट्रोल से बाहर हो जाती है। डॉक्टर को एकदम से डिसीजन लेना पड़ता है डिलीवरी का, क्योंकि अगर डिलीवरी ना करें तो हो सकता है कि बच्चा जो है वो पी जाए, तो वो बहुत ही बच्चे के लिए कंडीशन ख़राब है, बच्चे को कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, तब तो मुझे नहीं पता था कि ये क्यों हुआ, लेकिन आज मुझे डॉक्टर ने बताया कि ये इसलिए होता है कि हमारा बच्चा जो है जब डिलीवरी का टाइम आता है तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमारे लीवर के फंक्शन पहले ही गड़बड़ा रहे होते हैं, बच्चे को पहले ही वो चीज़ें नहीं मिलती जो कि उसे मिलनी चाहिए, और ऐसे में क्या होता है कि बच्चे पर भी, किडनी पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आता है, उसके भी ऑर्गन्स पर इम्पेक्ट आता है, और बच्चा कई बार पोटी कर देता है। ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में, मेरा फर्स्ट बेबी ने जो है पोटी उस टाइम पर कर दी थी डिलीवरी के टाइम पर, जिसकी वजह से डॉक्टर, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है बट वो कहने की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जब बच्चे ने, डॉक्टर ने देखा कि बच्चे ने पोटी कर दी है, तो हमारा जो कट ऐसे लगता है वो कट फिर इस तरीके से लगाया गया, तो ऐसे लगने के बाद मुझे कट, इतना बड़ा कट लगाया गया जिसमें मुझे 10-11 स्टिचेज आए थे इन नॉर्मल डिलीवरी, तो बहुत ही कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। दूसरा क्या होता है
कि हमारे बेबी का हार्ट बीट जो है वो डिलीवरी के बाद भी ऊपर नीचे उसका हार्ट जो है वो उसकी हार्ट बीट जो है वो चलती रहती है। बच्चा एकदम से हम उस बच्चे की हार्ट बीट एकदम से सही नहीं होती है, कई दिन तक उसको ये प्रॉब्लम होती रहती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि मेरे बच्चे के साथ भी हुआ था। फर्स्ट टाइम पर इन्फेक्शन हुआ था उसे, उसको डेली जो है इंजेक्शन्स लगाए जाते थे, मेडिसिन उसके 3 मंथ तक मेडिसिन चली थी, इंजेक्शन चले थे, बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा था। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं और इन सब से कंडीशन से हटकर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हो जाती है वो ये कि बच्चे की डेथ भी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे को ओवल के थ्रू जो ब्लड मिलता है वो ब्लड मिलना बंद हो जाता है। और वो क्यों बंद हो जाता है? जब मदर के एलएफटी इतने ज़्यादा गड़बड़ा रहे होते हैं, मदर का एलएफटी सारा तो लीवर फंक्शन पर ही डिपेंड करता है, हमारा जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम जो खाते हैं, अगर हमारा अच्छे से डाइजेस्ट होगा तभी तो वो ओवल बच्चे तक पहुँचा पाएगी। लेकिन जब हमारा ही एलएफटी इतना ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है तो कई बार क्या होता है कि ओवल से बच्चे तक ब्लड जाता ही नहीं है, जिससे बच्चे की डेथ भी हो जाती है। इसीलिए जब किसी भी वुमेन को ऑब्स्टेटिक कोलेस्ट्रोसिस की प्रॉब्लम सामने आती है तो डॉक्टर्स जो हैं वो बार बार बच्चे की हार्ट बीट चेक करती हैं, ये देखती हैं कि ब्लड जो है वो अच्छे से बच्चे तक सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर उन्हें लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो बच्चे को कई बार डॉक्टर जो है वो डिसीजन लेना पड़ सकता है डिलीवरी का, जिसके लिए सी सेक्शन ही उनको करना पड़ता है, क्योंकि बेबी उस हालत में नहीं होता है कि वो नॉर्मल डिलीवरी की पेन को बियर कर पाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप लोगों को ऐसी इच्छा की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसे हल्के में ना लें, नॉर्मल ना लें। आप अपनी गायनों से हर छोटी से छोटी बात, हर बड़ी से बड़ी बात जो है वो डिस्कस करें। हमारी गायनों जो होती हैं वो प्रेगनेंसी में हमारे लिए भगवान होती हैं, वो जो कहें वैसा करो आप। तो उनको आप ज़रूर बताइए अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो। और आई होप कि इस वीडियो में मैंने अच्छे से आप लोगों को ऑब्स्टेटिक कोलेस्ट्रोसिस के बारे में बता दिया है कि क्या जो है वो इफ़ेक्ट होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं। तो अब आ जाते हैं आफ्टर डिलीवरी पर, ठीक है। जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तो उसके भी 1 वीक तक हमें ये इचिंग रहती है, ठीक है, हाथों की सोल पर, पाम्स पर ये इचिंग रहती है, और फिर थोड़े दिन के बाद ये खुद ब खुद चली जाती है। और अगर ऑब्स्टेटिक कोलेस्ट्रोसिस किसी मदर को है और उसके लिए आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो होता क्या है कि डिलीवरी के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जो कि मेरे साथ हुआ। उस टाइम पर मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी, डॉक्टर ने कहा था कि जितनी ब्लीडिंग होनी चाहिए उसके जो है 65% ज़्यादा जो है मुझे उस टाइम पर ब्लीडिंग हुई थी। मेरे को काफ़ी घंटों तक तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद होश भी नहीं आया था कि मैं कहाँ हूँ, बल्कि मेरे जो हस्बैंड है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तब डॉक्टर ने कहा कि इनको ब्लीडिंग हुई है। क्यों हुई है वो गायनो को पता ही नहीं था क्यों हुई है, तो वो मुझे अब इन गायनों ने बताया है कि उस टाइम पर ब्लीडिंग होती है मदर को बहुत ही ज़्यादा, अगर उसको ऑब्स्टेटिक कोलेस्ट्रोसिस की प्रॉब्लम चली आ रही है। तो अगर किसी को ऑब्स्टेटिक कोलेस्ट्रोसिस की प्रॉब्लम है और डिलीवरी के टाइम उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है तो इसके लिए डॉक्टर विटामिन के का जो है हमें इंजेक्शन देती हैं। क्योंकि हमारी डिलीवरी हो चुकी है, हमारे हार्मोन जो है वो फिर से बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, तो हमारा एलएफटी भी है वो ठीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है, हमारा लीवर जो है वो फिर से काम करना शुरू कर देता है और ये जो इचिंग की प्रॉब्लम थी ये बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। अब हम आ जाते हैं बेबी पर। इफेक्ट ऑन बेबी आफ्टर डिलीवरी, तो माँ को क्या इफेक्ट आते हैं वो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। माँ की इचिंग जो है वो 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाती है क्योंकि उसके एलएफटी जो है वो फिर से काम करना शुरू कर जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा बेबी भी जो है वो उसका भी एलएफटी खुद से काम करना शुरू करता है, क्योंकि जब तक वो माँ के पेट के अंदर होता है उसका सारा का सारा कंट्रोल माँ के लीवर के हाथ में होता है, जो माँ के लीवर से जो है सप्लाई होगा, जो माँ के वॉर्म से जो है ओवल तक जाएगा वो उस तक जाएगा। लेकिन जब वो बाहर आ जाता है तो खुद से दूध पीता है, उस से उसका लीवर जो है वो काम करना शुरू करता है, उसके सारे ऑर्गन्स काम करने शुरू करते हैं, तो हमारा बेबी भी बिल्कुल ठीक हो जाता है 1 वीक के अंदर अंदर। अब जिन भी फीमेल्स को ऑब्स्टेटिक कोलेस्ट्रोसिस की प्रॉब्लम है या रही है अपनी प्रेगनेंसी के थ्रू आउट, तो उनको वो बर्थ कंट्रोल पिल्स का जो है यूज़ नहीं करना है अपने डॉक्टर के बिना सजेशन के। पहले डॉक्टर को बताना है कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, क्या मैं बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ कर सकती हूँ आफ्टर डिलीवरी के बाद। कुछ फीमेल्स जो हैं वो बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ करती हैं, तो ऐसे में जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हुई है उनको तब तक वो यूज़ नहीं करनी है जब तक कि उनकी डॉक्टर से वो कंसल्ट नहीं कर लेती हैं, क्योंकि बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ जो है वो मना किया जाता है जिनको प्रेगनेंसी में ऑब्स्टेटिक कोलेस्ट्रोसिस की प्रॉब्लम हुई हो। और एक और चीज़, बहुत सारी फीमेल्स कहती हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे ये इचिंग हुई है तो मे बी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ना हो। तो जिनको मल्टीपल जो है प्रेगनेंसी होती है ना,
उनको ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है, वो ये ना सोचें कि फर्स्ट टाइम पर हुई थी नेक्स्ट टाइम पर नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम पर उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकती है, जो कि मेरे साथ हुई। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ 85-95% तक मेरी कंट्रोल आ चुकी है, तो आप अपने डॉक्टर से जो है वो ज़रूर अपनी गायनों से कंसल्ट करें। सो आई होप कि अच्छे से मैंने इस वीडियो में आप लोगों की जो है वो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है कि ऑब्स्टेटिक कोलेस्ट्रोसिस जो है वो क्यों है, क्यों हमें इतनी इचिंग होती है, क्यों ये पाम सॉल्वर होते हैं, क्या इफेक्ट आता है हमारे बेबी पर, हमारे ऊपर क्या आता है, आफ्टर डिलीवरी हमारे साथ क्या होता है। आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस का जो है वो आंसर देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है इस चैनल पर जाकर जो है कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि गायनो जो है ऐसे केस में हमारे लिए भगवान है, उनसे कुछ ना छुपाएं, उनको सब कुछ बताएं, ठीक है, तो आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। क्योंकि ऑब्स्टेटिक कोलेस्ट्रोसिस से हम पर तो इफेक्ट आता है, लेकिन हमारे बेबी पर भी इफेक्ट आता है, और वो तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपने ऊपर सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के लिए हम कुछ भी लाइट नहीं ले सकते। तो अपनी गायनों से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो। जितना भी मेरी गायनों ने मुझे बताया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आई होप कि आप लोगों को इससे हेल्प होगी। आज की वीडियो का जो है एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो प्रेगनेंसी का ही एक सिम्टम है जिसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बैकएक। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बताऊँगी कि बैकएक हमें क्यों होता है, क्या करना चाहिए हमें बैकअप के लिए, कैसे आप अपने बैकअप को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। बाकी इंजॉय कीजिए, हेल्दी खाइए, अच्छी अच्छी डाइट लीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए, और एक्सरसाइज इग्नोर मत कीजिए, ज़रूर कीजिए, कुछ भी कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डांस कीजिए, पर कुछ ज़रूर कीजिए। अपनी बॉडी में हमें मोमेंट्स लानी है, सुस्ती नहीं फैलानी है।